वन्ना, आइस लेके सुबह आओगी क्या? हेलो जी, हम नितिन बोल रहे हैं। आप प्लीज जान की दी को बता देना कि पापा ठीक हो चुके और वो घर आ चुके हैं हॉस्पिटल से। जानकी सो रही है अभी। अपनी फैमिली की बहुत चिंता है जानकी को। आइस जल्दी आ गई, सुबह आ जाती। बस नितिन यहाँ कैसे? वो भी इतनी रात को। पापा तो ठीक है ना? कहीं पापा को पता तो नहीं चल गया? कैसा मेरे भाई, तू ठीक है ना? अर्श, मेरी एक बात कान खोल के सुन। घर पे पापा या किसी को कुछ मत बताना मैंने तेरे साथ फार्म हाउस पे क्या किया था, वरना पता क्या होगा। मेरी जो गुड़िया है ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। मेरी बात सुन। देख हर्ष, भागने से कुछ नहीं होगा। तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तू चाहता है कि तेरी गुड़िया के साथ वो सब करूं? चाहता है तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही कर। पापा के पास जा, उनको बोल कि जो गुड़िया है ना बहुत गंदी है, तुझे मारती है, इसको घर से भगा दो। गुड़िया, गुड़िया, आपकी हिम्मत क्या थी हाथ लगाने की? हमारी गैर मौजूदगी में क्या सोचा आपने? फिर डरा देंगे? Get out! पापा ये तो हर्ष के कमरे से आवाज आ रही है। इतनी रात को ऐसी आवाज? चल के देखते हैं। रास्ते से हर्ष, तुझे क्या लगता है तू अपने इस पागल पति को मुझसे बचा लेगी? मां फार्म हाउस पे आके जो कुछ भी तूने मेरे साथ किया तुझे लगा मैं भूल जाऊंगा? छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। अचानक हमने
कहा? अरे हर्षी से दूर रहिए आप। ये मत देखा आपने, इसने मुझ पर हाथ उठाया, अपने जेठ को थप्पड़ मारा। हर्षी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की आपने? माँ पापा, इसने मुझे थप्पड़ मारा और किस बात पर? मेरा भाई मुझसे मिलने मेरे कमरे में आया था, मैं उसकी मदद कर रहा था, इसलिए तुम मुझे थप्पड़ मार दोगी जानकी? शर्म है कि नहीं? सीरियसली आप मदद करने आए थे कमरे में? और अच्छी तरह जानते हैं आप क्या करने आए थे। क्या झूठ बोल रही हो तुम जानकी? हाँ माँ मैं बताता हूँ आपको, मैं अपने कमरे में था, हर्ष मेरे पास आया था, ये जानकी उसे अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई थी, ये बेचारा इतना डरा और सहमा हुआ था। हर्ष बेटा तुम बताओ क्या हुआ यहाँ पर? हाँ तुम इतना डरे हुए क्यों हो? हम बताते हैं। अरे तुम क्या बताओगी, मैं बताता हूँ। माँ मैं ये वन्ना के साथ अपने कमरे में था, हर्ष मेरे पास आया, उसने बोला कि ये जानकी उसे डरा कर धमका कर रखती है, उसे किसे मिलने ही नहीं देना चाहती, ये बेचारा इतना घबराया होता। मैंने कहा मैं तेरे साथ चलता हूँ हर्ष, मैं तेरी मदद करूंगा, विश्वास नहीं आता तो आप वन्ना से पूछिए। वन्ना बताओ, वन्ना सबको बताओ कि हर्ष कमरे में आया था, क्या कहा था इसने हमसे, कितना डरा हुआ था ये इस जानकी से। राजेश ने जानकी को झूठ बोल के फंसा दिया है, और अगर मैंने राजेश का भी साथ नहीं दिया तो ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा मुझे। हे भगवान अब मैं क्या करूं? आप इतना झूठ क्यों बोल रहे भैया? वरना ये तुम्हारे पति पर इल्जाम लगाया जा रही है, तुम चुप क्यों हो? बताओ सबको सच। अभी आप भी देखा क्या चल क्या रहा है घर में? तुम चुप रहो। देखा पापा आपने, माँ देखा आपने, अब भरोसा हुआ कि मैं सच बोल रहा हूँ? पर ये समझ में नहीं आ रहा भैया कि आप इतना नाटक क्यों करते? मैं नाटक कर रहा हूँ? मेरी जान की भाभी मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम हर्ष की बहुत चिंता करती हो ना, ये सब ड्रामा करी तुम, बताओ इसे अकेले छोड़कर गई थी कि नहीं? हाँ गए थे। क्यों क्यों इसे अकेले छोड़कर गई थी, कहाँ गई थी तुम? क्योंकि आपने हमारे नाम पर हमारे छोटे भाई को झूठा नोट भेजा था, एंड यू नो इट राइट? मैंने ये भी झूठ है, क्योंकि सब तो झूठ ही है, वो नहीं ये भी झूठ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन सबको सच बताऊं या तुम्हारे इतने अच्छे झूठ बोलने की तारीफ करूं मैं। सब बकवास कर रही है पापा ये। पापा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, मैं ऐसा क्यों करूंगा? सच तो ये है कि उस दिन वहां तुमने फार्म हाउस पे इसको किडनैप किया, लेकिन अब यहां हमारी आंखों के सामने घर पर इसे अपना बंदी बना के रखा है तुमने। तुम नहीं चाहती कि इसके पास कोई आए, दादी माँ मैं कोई भी आए, तुम चाहती नहीं हो। इसलिए जब तुम इसे अकेला छोड़कर चली गई ना, और मैं हर्ष से मिल गया, तो तुम्हें बहुत बुरा लगा, तुम्हें बहुत गुस्सा आया, जब आकर मैंने तुमसे पूछा कि क्यों तुमने इसे अकेला छोड़ा, कि तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया, क्यों किया तुमने ये सब? इतना झूठ कैसे बोल सकते पापा जी, कि जो कुछ भी बोल रहे ना राजेश भाई सरासर झूठ है। झूठ राजेश नहीं, तुम बोल रहे हो जानकी, तुमने राजेश को थप्पड़ मारा, हम सब ने देखा है यहां पर, तुमने गलती की है, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। अगर इस घर में रहना है तुम्हें तो राजेश के पैर छूकर तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। पापा जी अगर आपने वो देखा होता ना जो सब कुछ रूम में हुआ, जो राजेश भैया कर रहे थे, तो आप ये करने के लिए मैं कभी नहीं कहते। आप लोग क्यों विश्वास नहीं कर रहे हम? इनाफ बहुत हो चुका, तुम्हें क्या लगता है हम लोग बेवकूफ हैं तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? तुमने हमारे बेटे को थप्पड़ मारा है, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। जाओ घर में रहना है या नहीं तुम्हें? मेरी गुड़िया कहीं जाएगी, मेरी गुड़िया कहीं जाएगी, कहीं जाएगी मेरी गुड़िया, हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाओगी ना, गुड़िया कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, आप बस शांत रहिए, हाँ गुड़िया है आपके पास। नहीं हम हर्षी को छोड़कर नहीं जा सकते, हमें उनके लिए इस घर में रहना ही होगा, उनकी जिंदगी हमारे सम्मान से ज्यादा बड़ी है, इसीलिए हमें ना चाहते हुए भी राजेश भैया से माफी मांगनी होगी।
रुक जा जानकी। क्या कर रही हो सविता, उसे रोक क्यों रही हो? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। जानकी बहू है हमारी और ये बिना वजह कभी कुछ नहीं करती। उसने अगर राजेश को मारा है ना तो जरूर इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह है। इसने हमारे बेटे को थप्पड़ मारा है, उसे माफी मांगनी ही पड़ेगी। राम देखिए, हम इस पर दोबारा इल्जाम लगाने की गलती नहीं कर सकते। इसने जो कुछ भी किया है अपने पति की रक्षा के लिए किया है। अगर हम इसकी जगह होते ना तो हम भी यही करते। माँ, लेकिन आप भाभी को ऐसे कैसे माफ कर सकती हैं? रूही, बेटा जब तेरी शादी होगी ना तब समझेगी तू। एक औरत अपनी सुहाग के लिए कुछ भी कर सकती है। जानकी को ही देखो ना, हर्ष की सच्चाई जानने के बाद भी कैसे खड़ी है उसके साथ, उसका रक्षक कवच बनकर। जानकी के इन्हीं गुणों के कारण आप उसे पसंद करके ले आए थे ना इस घर की बहू बनाने के लिए, वो भी उसे झूठ बोलकर। आपको तो गर्व होना चाहिए अपने फैसले पर और अपनी बहू पर। थैंक यू मम्मी जी। मैं माफ करते जानकी। नहीं, माफ करें। नहीं मम्मी जी, प्लीज प्लीज ऐसा मत कर। अब तुम दोनों जाओ आराम करो, बहुत रात हो गई। सब लोग चल के आराम करते, सो जाओ सब लोग। जाओ बेटा। इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें बहुत दूर तक सुनाई देगी जानकी। राजेश मेरे पास नहीं था। राजेश भाई मेरे पास मत आओ। राजेश भाई मेरे पास मत आओ। हर्ष जी हमें जानकी की गुड़िया, कोई नहीं है यहाँ पे और कोई नहीं आएगा। हम है ना आपके पास, कुछ नहीं होने देंगे, सो जाइए। कोई नहीं आएगा, हम किसी को नहीं आने देंगे। आप आराम से सो जाए। ओके, आंखें बंद करिए। मुझे अकेले बहुत डर लगेगा गुड़िया। गुड़िया मुझे कॉमिक्स में से एक कहानी सुना दो ना प्लीज, फिर मुझे नींद आ जाएगी। तुम वहाँ क्यों सो रही हो? वहाँ तुमको ठंड लगेगी गुड़िया। ये लो इधर सो जाओ मेरे साथ, यहाँ पे सो जाओगे ना तो फिर तुमको ठंड नहीं लगेगी। हर्षी हम आपको कहानी सुनाते हैं। मुझे कॉमिक्स में से कहानी सुना दो, मेरी फेवरेट वाली गुड़िया प्लीज। ठीक है, हम लेकर आते हैं। तुम्हें क्या लगता है जानकी,
हर्ष एक्सीडेंट से पागल हो गया या उसे कोई जानबूझकर पागल बना दिया? किसने किया, क्यों किया, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। पर हाँ, तुम अपनी और हर्ष की जान बचाना चाहती हो तो तुम पता लगाओ। हमें हर्ष से पूछना ही होगा, उस एक्सीडेंट वाली रात को क्या हुआ था, क्या सच है, क्या राज है? क्योंकि केवल हर्ष ही बता सकते हैं इस फैमिली में ऐसा कौन है जिससे हर्ष को खतरा है। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा, हर्ष की जान को खतरा है। फिलहाल इस पेंटिंग के बारे में रंगीली से बात करनी चाहिए। जानकी बेट, इतनी रात को किससे बात कर रही थी? मम्मी जी, वो रंगीली ने जो कुछ भी हमें कहा वो अभी माँ को बताना ठीक नहीं होगा। मम्मी जी, वो नितिन का फोन ट्राई कर रहे थे। मम्मी जी ऐसे बिना बताए वहां से आ गए ना, उसे हमारी फिक्र हो रही होगी। वैसे भी वहां कुछ अच्छा नहीं चल रहा मम्मी जी, घर मालिक ने मम्मी पापा को घर से बाहर कर दिया, पापा को हार्ट अटैक आ गया और कृषु जेल में। हम जानते हैं बेटा, ये सब इनकी वजह से हुआ है। वो तुझसे गुस्सा थे और तुझे सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए उनसे ये सब हो गया। लेकिन अब तू चिंता मत करना, हमने इनको बिल्कुल मना कर दिया ऐसा कुछ करने से। अब वैसा नहीं करेंगे, उल्टा वो तेरी मदद करेंगे, तेरे पापा के इलाज के लिए, बाकी सब चीजों के लिए। मम्मी जी आप कितनी अच्छी हैं, हम लोग आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं। आज जिस तरीके से आपने हमें सपोर्ट किया है, सबके सामने आप हमारे लिए खड़ी हो गई, हमारी हमारी अपनी माँ भी शायद है सब। थैंक यू मम्मी जी। बेटा, रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, परिवार वो होता है जो जो आपको प्यार दे, आपको समझे। आज एक दिल की बात बताए तुझे, हम बहुत खुश हैं तेरी जैसी बहू पाकर। अच्छा अच्छा सो जा, वरना हर्ष देखेगा ना कि तू उसके पास नहीं है तो चिल्लाने लगेगा, डर जाएगा बेचारा। जा। गुड नाइट मम्मी जी। मैंने पूरा सपना देखा था। थैंक यू गुड़िया, हमेशा मेरा साथ देती हो, मेरे कितना ख्याल भी रखती हो गुड़िया, थैंक यू गुड़िया। मेरी गुड़िया बनने के लिए थैंक यू, मैं भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा।
तुम सो जाओ गुड़िया। पापा ये कुछ पेपर्स पे आपके साइन चाहिए थे। थैंक यू राजेश। हम जानते हैं तुम अपनी माँ से नाराज हो। वैसे हमें भी अच्छा नहीं लगा कि सविता ने जानकी की साइड ली, लेकिन ऐसा है कि पापा जानकी ने तो पता नहीं क्या जादू कर दिया है माँ पे। I won't be surprised किस दिन माँ मुझे इस घर से बाहर निकाल दे। But you know मीना के मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। I know बात बात पे गुस्सा हो जाते हो, बदतमीजी करते हो, सब जानते हैं। राजेश एक बात मत बोलना, अगर ये प्रूव हो गया कि तुमने हर्ष को शॉक दिए तो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनो डॉक्टर, तुमने जो मेरा काम किया था, जो हर्ष को शॉक दिए थे, उसके सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए मैंने। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल गए हैं, लेकिन तुम गलती से भी किसी को मत मिल जाना, गलती से भी पकड़े मत जाना, क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और अगर मैं पकड़ा गया तो जानते हो ना क्या करूंगा, अंडरग्राउंड हो जाओ। ये राजेश तो बहुत चालाक निकला, अगर ये शॉक ट्रीटमेंट के सारे सबूत ऐसे ही मिटा देगा तो जानकी कैसे खुद को निर्दोष साबित कर पाएगी। सुनो इधर आओ। क्या कर रही थी आप? कुछ नहीं, कमरे की तरफ जा रही थी। जा रही थी तो गई क्यों नहीं, यहाँ क्यों रुक गई? कुछ सुना तो नहीं तुमने? ओके देखो, अगर तुमने ऐसा कुछ सुन भी लिया हो जो तुम्हें नहीं सुनना चाहिए तो अपना मुंह बंद रखना, ठीक है? मैंने कुछ नहीं सुना राजेश, मैं बस कमरे की तरफ जा रही थी ताकि अपने अपने घाव छुपा सकूं, कोई देख लेता तो सवाल करता। ठीक है जाओ सीधा अपने कमरे में। हाँ आराम आराम से। थैंक यू रंगीली, ऐसी हालत में कि डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती थी, अगर वहां कोई देख लेता तो मुसीबत में पड़ जाती, इसलिए तुम्हारे पास चली आई। सॉरी। घर में तो सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है रंगीली, वो राजेश शॉक ट्रीटमेंट के सारे सबूत मिटाने में लगा हुआ है। अरे एक बार वो कामयाब हो गया ना तो जानकी पापा जी के सामने अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर पाएगी। तुम तो जानती हो पापा जी सिर्फ राजेश पे भरोसा करते हैं, उस बेचारी जानकी को बोलने का मौका नहीं देते। राजेश अपने आप को ना कुछ ज्यादा ही बड़ा खिलाड़ी समझने लगा है। बस बहुत हो गया, मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे घर वालों से बात करनी चाहिए, और अगर तुम ये बात नहीं कर रही हो ना तो मैं जा रही हूँ उसकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए, फिर जो होगा देखा जाएगा मेरा। कम से कम ये स्टेप उठाने के बाद जानकी की जिंदगी तो बचा पाऊंगी ना, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मैं जा रही हूँ और मैं उसकी सारी सच्चाई। वंदना पगला गई हो क्या? क्या हो गया तुमको? जोश में होश मत खो, तुम जानती हो ना राजेश को, वो खून पी जाएगा तुम्हारा। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मुझे वंदना मेरी बात ध्यान से सुनो। देख हम सब अपने अपने हिसाब से जानकी की मदद कर सकते हैं, और तुम राजेश के साथ लड़ने की जगह
अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जानकी और हर्ष की मदद कर, समझे ना? बाबा बंगाली का यहीं कहीं आसपास? मैं चलती हूँ, कोई यहाँ देख लेगा तो मुसीबत में पड़ जाऊंगी, पर थैंक यू सो मच। वंदना अपना ख्याल रखना और मुझे फोन करती रहना, ध्यान से जा, ठीक है? मुझे भी डरा दिया। वो वंदना कहाँ हो? ये तुम्हारा फोन, वही भुलाई थी तुम। ध्यान रखो, जाओ जाओ, ठीक से जाना, जाओ, ठीक है? बाबा, जो आपसे मंगाया था लाए क्या? हाँ। ये जड़ी बूटी तुझे भी देगा, वो हमेशा नशे में रहेगा। वो जिंदा रहेगा लेकिन मरा बराबर रहेगा, उसका दिमाग कभी काम नहीं करेगा। या, लेकिन एक बात याद रखना, ये जड़ी बूटी बहुत खतरनाक है। अब एक बात बताओ, जिस किसको भी मैं ये जड़ी बूटी दूंगा तो उसका ब्लड टेस्ट कराएं तो उसमें आएगी? हाँ बच्चा, अगर ये जड़ी बूटी अच्छे से पीस कर दूध में मिला मिला कर दी जाए तो ये कभी पता नहीं चलेगा कि उस इंसान के अंदर ये थी या नहीं। क्या? थैंक यू। अब मैं देखता हूं कि ये हर्ष अपना मुंह कैसे खोलेगा, कैसे बताएगा सबको कि मैंने इसके साथ क्या किया है। अभी भी बुखार है। ये पापा दवाई ले लो। जानकी के ससुराल वालों से पहली बात हो जाती तो किसी बड़े अस्पताल में लेकर जाते, बढ़िया सा इलाज भी हो जाता। बात कर लेती मतलब? पापा वो मम्मा का मतलब था कि टीके ससुराल वालों ने कहा था कि आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना काफी अच्छी सुविधाएं हैं, तो इसलिए किसी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बात करने के लिए कह रहा हूं। ठीक है बेटा, जानकी से बात करवा दो, हैं? अब तो उसकी पूजा भी खत्म हो गई होगी, नहीं? हाँ पापा, बात करवाते। लोधी का फोन ही आ गया। अच्छा, हेलो नितिन, कैसा है तू? अच्छा सुनना, आई एम सॉरी, बिना बताए उसे ऐसे निकलना पड़ा। वो क्या है ना कि हर्षी का दी फोन स्पीकर पे, पापा बात करना चाहते हैं आपसे। आज जानकी बेटा कैसी है तू? पापा हम ठीक हैं, अब सॉरी वो उस दिन पापा आपसे पूछ नहीं पाए, जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल से भी निकलना पड़ा, पता ही नहीं चला क्या चल रहा है। एक्चुअली हर्षी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए अर्जेंटली जाना पड़ा। हर्षी को क्या हुआ बेटा? हाँ वो एक्चुअली हर्षी को हल्का सा फीवर हो गया था ना, इसी वजह से इन सारी चीज में फंस गए थे हम। अच्छा आप बताइए आप कैसे हैं? बेटा ठीक हूँ, थोड़ी सी कमजोरी थी लेकिन अब जैसे बात हो गई ना तो ठीक लग रहा है। और बेटा थैंक यू, हाँ थैंक यू, मेरी तबीयत के लिए तूने पूजा रखवाई। तू हम सबका अभी भी कितना ख्याल रखती है बेटा। लगता है नितिन ने बाबा को कुछ नहीं बताया और हम उस पर ऐसे ही गुस्सा हो गए थे। अब ठीक है पापा, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हम जल्दी मिलते हैं, और सुनिए दवाई टाइम से लेते रहिएगा। दी दी हमें आपसे कुछ बात करनी है प्राइवेट में। हाँ नितिन सुन, हम तुझसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ बाय। हर्षी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए बिजी होगी। हाँ आशी, आशी, कुछ नहीं,
कुछ नहीं हुआ आपको, हम है ना इधर आइए इधर आइए। लगता है हर्षी के दिमाग में अभी वो एक्सीडेंट ताजा है, बार बार याद आ जाता है उन्हें। हर्षी आपको एक चीज दिखाएं। ये देखिए, ये जो जहाज है ना ये बिल्कुल आपकी तरह, क्योंकि जब समंदर में तूफान आता है ना तो ये आपकी तरह डर कर ऐसे हिलने लगता है। जैसे तूफान थम जाता है ना तो ऐसे जो जहाज हिल रहा होता है ना वो ऐसे रुक जाते हैं। देखिए रुक गया ना, हमारी तरफ देखिए। आपकी जिंदगी में जो तूफान 5 साल पहले आया था ना वो तो कब का थम गया। अब आप भी उस जहाज के जैसे उस तूफान से बाहर आ जाइए, उस समंदर से बाहर आ जाइए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं यहाँ, आपको कुछ नहीं होने देंगे। अगर मेरी लाइफ में कोई तूफान आएगा तो तुम रोक लोगी उस गुड़िया? अगर आपकी जिंदगी में कोई भी तूफान आया ना तो हम उसको आप तक पहुंचने नहीं देंगे। ये आपकी गुड़िया का आपसे बात है। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। कैसे बताया हर्षी कि तूफान का खतरा भी टला नहीं है, पर आपको उस तूफान से बचाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा ना हम वो जरूर करेंगे। वन्ना ये दूध जरा हर्ष को देकर आना, वो अपने कमरे में होगा जानकी के साथ। जी। कहाँ जा रही हो? हर्ष को दूध देने। दूध मैं देता हूँ, तुम एक काम करो रूम में मेरी एक फाइल रखी है टेंडर वाली, वो पापा से साइन करानी है, बहुत जरूरी। ले आओ। जी। राजेश ने उसको ये जड़ी बूटी दी तो पता नहीं उस बेचारे का क्या होगा। मुझे कुछ भी करके राजेश को रोकना होगा। वंदना भैया। हाँ ये दूध हर्ष को देगा प्लीज। भैया वो जानकी भाभी ने कहा है कि हर्ष भैया नीचे आके दूध पियेंगे। नीचे आएंगे? अच्छा। हे भगवान, हर्ष को दूध पीने के लिए कैसे रोकूं? क्या करूं ताकि वो दूध ना पिए? हे भगवान। अरे यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस बार मैं कॉलेज फेस्ट में क्या करूं। मुझे ना हर साल की तरह वो डांस परफॉर्मेंस नहीं करनी, जिस बार कुछ अलग करना है, समथिंग डिफरेंट। क्या करूं,
सोचना पड़ेगा यार, समझ ही नहीं आ रहा। रूही, मिल गया रास्ता। पापा ये वाली फाइल चेक करेंगे, आने के बाद साइन भी करना है तो तुम ध्यान रखना, इसे यहीं रहने दे। जी। सुनो, ध्यान रखना, हर्षी दूध जरूर पिया। पागल, तूने क्या किया? सॉरी सॉरी सॉरी, ये दूध गिरा दिया पूरा का पूरा इसमें। अमित, तूने सारा दूध ये फाइल में गिरा दिया यार, सारी फाइल खराब कर दी। तूने इतनी मेहनत से काम किया था, दोबारा करना पड़ेगा मुझे। सॉरी भैया, वो मैं फैशन शो की प्रैक्टिस कर रही थी और गलती से डिसबैलेंस हो गया, दूध गिर गया, I'm sorry. फैशन शो? ये कहना है ड्रामा है, हर साल करती है ना वो डांस, ये फैशन शो कहाँ से आ गया? किसका आइडिया था वो? वो जानकी भाभी, जानकी भाभी ने बोला कि अगर तुम्हें डांस नहीं करना तो ये फैशन शो बेस्ट थिंग है, ये कर लो। सारा खेल बिगाड़ के रख दिया इस जानकी ने। इस जानकी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो भी परमानेंट इलाज। पापा, मैंने उन लोगों को हाँ बोल दिया, और ये हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। सारा मीडिया होगा वहाँ, बस हमें 7 बजे तक वहाँ पहुँचना होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ ऑफिस, कम से कम लोग वहाँ मेरी इज्जत तो करते हैं। राजेश सुनो, हमारी बात तो सुनो। हमको ना आपसे कुछ बात करनी है, कल जो हुआ वो। आज शाम को अवार्ड फंक्शन है, हमारी कंपनी को कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वाओ डैड, कांग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत खुशी की बात है। वाकई में बहुत खुशी की बात है, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसलिए हम चाहते हैं पूरी फैमिली अवार्ड फंक्शन में मौजूद रहे। हाँ हाँ बिल्कुल, हम सब चलेंगे। हम ये कहना चाह रहे थे कि कल। माँ, किसी भी तरह आप हर्ष को मनाकर। हाँ बेटा, लेकिन बहू कुछ कहना चाह रही है, उसकी बात सुन तो ले। आ रहे हूँ। राम, ये क्या हो रहा है? मुझ इधर राजेश और यहाँ ये दोनों हमसे नाराज हैं। ऊपर से हर्ष के साथ क्या हुआ, किसने किया, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। राजेश हमारा बेटा है, हम सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन जानकी भी हमारी बहू है, हमें पूरा विश्वास है कि वो कुछ झूठ नहीं बोल सकती। और इसके बीच में हर्ष के साथ कितना कुछ हो गया, दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। मां, अब भाई की चिंता मत कर, अभी है ना उनके साथ, सब ठीक कर देंगे। चिंता मत कर, भगवान जी सब ठीक करेंगे। कब अम्मा जी, आखिर कब? मम्मी जी, हर्ष और जानकी आ गए। Okay.
हर्ष जी क्या हुआ, अपनी गुड़िया को आते नहीं देंगे? अभी उठिए जानकी, जानकी सब ठीक, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। देखा आप लोगों ने, ये जानकी के सामने आते हर्ष कितना डर गया था। सच बोल रहा हूं पापा, सब कुछ इसका किया था। आप ठीक है ना हर्ष भाई? को क्या हो गया था, अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे? हमें लगता है वो उस हादसे की वजह से बहुत घबरा के अभी भी सदमे में, इसलिए ये सब कुछ करते थे। हमें जल्द से जल्द उन्हें उस सदमे से बाहर निकालना होगा शिखर। हम करेंगे। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स भाभी। आप एक काम कीजिए, आप जाइए हर्ष भाई के पास। पापा कैसी तबीयत है आपकी? पहले से अच्छा हूं। वैसे ही पापा, अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि अब सब ठीक हो गया। सीबीआई को जो भी गलतफहमियां थी वो सारी दूर हो गई। भगवान का शुक्र है, जानकी ने मकान मालिक से बात करके ना ये मकान भी अपने नाम करवा दिया। बहुत अच्छा काम किया उसने, और उसने हमारे लिए पूजा भी रखवाई थी, हमारी तबीयत ठीक रहे इसके लिए। बहुत अच्छा किया पापा। कितना ध्यान रखती है। पापा हम अभी आते हैं थोड़ी देर में। अच्छा बेटा, ठीक है ना? देखा नितिन, पापा के हिसाब से तो जानकी जैसे महान और कोई है ही नहीं। अब उन्हें कौन समझाए कि जो कुछ भी हुआ है ना, उन सबकी फसाद जानकी दी है। दीप, लेकिन अब पापा को जानकी दी के बारे में कुछ मत बताना। नितिन हम क्यों बताएंगे पापा को? लेकिन ये भी सच है कि पापा से ना ये सारा सच हम ज्यादा दिन तक नहीं छुपा पाएंगे। हमारी जिंदगी ना शास्त्री खानदान के हाथों की कठपुतली बन गई है। वहाँ जानकी दी से इतना सा गलत नहीं हुआ कि हमारी जिंदगी में ना एक बड़ा तूफान आ जाएगा, समझा तू? I know दी, हम भी इस बात को लेकर बहुत परेशान है। इससे अच्छा तो यही होगा ना नितिन कि जानकी दी सब कुछ छोड़कर यही वापस आ जाए, कम से कम हम सब चैन से तो जी पाएंगे। दीप, अगर ऐसा हुआ ना तो हमारा हमारा जीना हराम हो जाएगा। वो लोग ना बहुत खतरनाक है दी। हमें तो समझ आ रहा है कितना कुछ होने के बाद भी वो अपने अपने ससुराल में कैसे रिश्ते निभा रहे हैं। कैसे नहीं निभाएंगे, इतने रईस खानदान की बहू होना, शास्त्री खानदान के पैसे और ऐशो आराम ना जानकी दी ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली। हर्ष जी, आपने देखा नहीं? देखा, हमने जादू से आग भी बुझा दी, साड़ी भी चेंज कर ली। वहाँ पे तुम्हारी साड़ी में आग लग गई थी ना, तो तुमको दर्द तो नहीं हुआ? चोट तो नहीं लगी गुड़िया? नहीं लगी। पक्का? हाँ। प्रॉमिस करो मुझसे। प्रॉमिस? अब आप एक प्रॉमिस करेंगे? मैं खाना नहीं खाऊंगा बस। आपको कैसे पता हमने खाने के लिए बोला? क्योंकि तुम ऐसे हमेशा ऐसे प्रॉमिस करा लेती हो खाना खाने के लिए। मैं खाना नहीं खाऊंगा। पक्का? तो ठीक है, हमने तो सोचा था आप गुड बॉय की तरह खाना खा लोगे, तुम बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। मैं ऐसे खाना नहीं खाता।
शिखर, हमने तुम्हें कहा था ना वो एक चीज लाने के लिए, तुम लेकर आए क्या? और क्या, इतना मजेदार खिलौना लेके आऊं भाभी। वाह, अब किसी को इंटरेस्ट आए ना आए, हमें तो आने वाला है। कितनी सुंदर है जी। ये तो न्यू ट्रेन है भाभी, न्यू टॉय। ये चलती कैसे है? ये देखो ऐसे चलती है ना, मजेदार भाभी। अरे वाह। शिखर शिखर एक काम करते हैं, हम लोग ना बाहर चलकर ही खेलते हैं, क्योंकि इन्हें तो खेलना नहीं ना। जा रहे हैं फिर हम ट्रेन लेके, ये नई वाली। चलो चलो। अच्छा ठीक है, एक मिनट, कितना गंदा बच्चा है तू शिखर, मैं भी चलूंगा साथ में। नहीं नहीं, नहीं आप यहाँ बैठो। अब हाँ जगह। ओके, ये काफी अच्छी लग रही है मुझे। ये देखो वो भी निकाल मुझे। इसी बात पे शिखर भाभी, थैंक यू भाभी। आज अवार्ड फंक्शन है, सबको जाना है, मुझे भी, पर ऑनेस्टली भाई को ऐसी हालत में छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। हम तो कोई बात नहीं है, तुम चले जाओ, हम है ना आयशी के साथ। थैंक यू भाभी। बाय। खाना खा लीजिए। हर्षी के एक्सीडेंट के बारे में हमें मम्मी जी से बात करनी होगी। मम्मी जी, जानकी तू आना। आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? मम्मी जी, पिछले कुछ दिनों से जो हर्ष जी के साथ हुआ है ना, वो देखकर के उनकी सेफ्टी को लेकर हमें बहुत चिंता हो रही है, बहुत परेशान है हम। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ जो हुआ है ना, उससे बहुत डर गया है बेचारा, हमसे खुद उसकी हालत देखी नहीं जा रही है। एक बात पूछिए। पूछो ना। मम्मी जी, हम जानते हैं आप उस दिन को याद भी नहीं करना चाहती होंगी, पर ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हर्षी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? उस रात क्या हुआ था मम्मी जी? एक ट्रक एक्सीडेंट था। लेकिन तू ये अचानक क्यों पूछ रही है? नहीं, हम मानते हैं कि एक पत्नी होने के नाते तेरा अधिकार है ये सब पूछने का, लेकिन सच यही है जानकी कि वो सिर्फ एक ट्रक एक्सीडेंट था। मम्मी जी, ये तो हम सबने सुना है, हमने भी सुना है, पर वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो रात कौन सी थी, हर्षी क्या करने गए थे, कहाँ गए थे, कुछ तो पता होगा। उस दिन जो कुछ भी हुआ ना जानकी, बहुत बुरा हुआ, खासकर हमारे परिवार के लिए, और इसलिए इस घर में कोई भी उस अशुभ दिन के बारे में बात नहीं करना चाहता, तू भी मत करना। हाँ। मुझे हम समझ सकते हैं कि उस घटना के बारे में याद करके या सोच के भी आप लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी, आपको कितनी तकलीफ होती होगी, पर आप खुद सोचिए, जिन्हें पूरी दुनिया टहर शास्त्री के रूप में जानती, यंगेस्ट बिजनेस टाइकून जो हम जैसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, आज उस एक हादसे ने, उस एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आज उनकी जिंदगी कहां से कहां होती, आप सबकी भी। ठीक कह रही है जानकी, उस एक्सीडेंट ने हम सबकी जिंदगी बदल के रख दी। मम्मी जी, उस एक्सीडेंट की जांच तो हुई होगी ना, उस ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा भी होगा, क्या हुआ क्या था कुछ तो पता चला होगा आप लोगों को। नशे में था ड्राइवर, पुलिस ने उसे पकड़ के जेल में तो डाल दिया, लेकिन हमारा बस चलता ना तो हम उसको फांसी पे लटका देते, लेकिन कानून के आगे हमारी कुछ नहीं चली। उस आदमी ने ना
हर्ष के साथ साथ हम सबकी जिंदगी बर्बाद करके रखती। अच्छा सुन, तूने हमसे तो आज ये बात पूछ ली, लेकिन घर में किसी से मत पूछना प्लीज, कहे कि कोई बात करना पसंद नहीं करता इस बारे में, ठीक है ना? जी, थैंक यू बेटा। अच्छा एक मिनट, जाते जाते ना ये कंगन मन्ना को दे देना। जी मम्मी जी। कंगन मम्मी जी के कमरे में होंगे, लेकर आते हैं। ये तो वही गुड़िया है जिससे राजेश ने हर्ष को डराया था। भाभी, मम्मी जी ने कंगन दिए हैं आपके लिए। अच्छा मौका है वंदना, जानकी को सब कुछ बताने का। जानकी, वंदना। ताई कहाँ है मेरी? कबर्ड के लेफ्ट साइड में पड़ी है। आप चलिए, मैं आती हूँ। बच गए। अगर राजेश मुझे जानकी से बात करते हुए देख लेता तो पता नहीं क्या करता। जब तक राजेश यहाँ है तब तक जानकी की मदद करना तो दूँ, मैं उससे बात भी नहीं कर सकती। भाभी हाँ, कहाँ खो गई आप? कंगन? हाँ कुछ नहीं, लाओ कंगन लाओ लाओ। एक मिनट, ये हाथी का ये चोट के निशान, कल चेहरे पे आज हाथ पे सब ठीक है ना? बताया था ना जानकी कि पार्थ के खिलौनों से लग गई। अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूंगी तब यकीन होगा क्या तुम्हें? जानकी क्या लगता है तुम्हें, कल राजेश को थप्पड़ मारने के बाद तुम बच जाओगी? बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम, राजेश चुप रहने वालों में से नहीं है। तुम्हें तुम्हारी थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी हद में रहो, तुम्हारे लिए ही अच्छा है। भाभी आप अच्छी तरीके से जानती कि हद किसने पार की थी। कैसी खटारा ट्रेन है, चल नहीं रही है, बंद हो गई है, देखो। हम आते हैं। हाँ आप रुकिए, हम आते हैं। भाभी हमने जो भी किया ना हर्षी को बचाने के लिए किया, और अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम जानकी। गुड़िया जल्दी आओ ना प्लीज, मैं कितना वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। हर्ष को तो तुम राजेश से बचा लोगी जानकी, पर उसके गुस्से से तुम्हें कौन बचाएगा? काश काश मैं तुम्हें सब कुछ खुल के बता पाती। हर्ष को ऐसे छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। सविता आज हमें अवार्ड मिलने जा रहा है, और अगर अवार्ड फंक्शन में हमारे ही घर वाले हमारे साथ नहीं रहेंगे तो मीडिया वाले बातचीत करना शुरू कर देंगे। ये हमारी कंपनी और हमारे घर की इज्जत का सवाल है, और ये बात आपको हजार बार समझा चुके हैं हम। इसलिए सिर्फ हर्ष के बारे में नहीं, शास्त्री खानदान के बारे में भी सोचना सीख लो। समझ गई ना? हर्ष बेटा हम लोग जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। ओके मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं इनके साथ। हमारे आदमी चारों ओर से इस घर पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए भूल कर भी गड़बड़ करने की कोशिश भी मत करना। पापा जी मेरी गुड़िया कभी कोई गड़बड़ नहीं कर सकती, मैं गुड़िया का साथ दूंगा। पापा जी आप टेंशन मत लीजिए, हम इनके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, हम ख्याल ही रखेंगे इनका। चले पापा, मेरा अवार्ड ध्यान से संभाल के लाना। यहाँ किसी को हम पर विश्वास ही नहीं है, जब देखो किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई धमकी देते ही रहता है हमें। तो समझ में नहीं आता कि
ऐसे परिवार में कैसे पता करे क्या आखिर कौन है हर्षी का दुश्मन। और अब वक्त आ गया है उस शख्स को सम्मानित करने का जो है इंडिया की लीडिंग मोबाइल कंपनी के मालिक। सो लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द विजनरी फाउंडर ऑफ द मोबाइल वर्ल्ड मिस्टर राम शास्त्री। जोरदार तालियां। निशा दी ने ना बिल्कुल सही कहा था, ये लोग हमें इतनी तकलीफों में डालकर खुद कितना एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले हम अपने जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं फॉर गिविंग मी दिस प्रेस्टीजियस अवार्ड। आज के इस खास मौके पर हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी इस कंपनी को इतना बड़ा बनाने के लिए सिर्फ हमारा हाथ नहीं है, इसके पीछे जिसने दिन रात मेहनत की है वो है हमारा बेटा। हर्ष शास्त्री। इनफैक्ट ये कंपनी उसी का सपना है और ये जो अवार्ड हमें मिला है उसके पीछे उसी का योगदान है। फिर हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारा बेटा हर्ष हमारी ये कंपनी मोबाइल वर्ल्ड को ना सिर्फ इंडिया की बल्कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनाएगा। पापा जी एक बार राजेश का भी नाम लेते तो क्या बिगड़ जाता। कुछ ही दिनों में आपको हम अपने प्लान्स बताएंगे और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना व्हाई वी आर द बेस्ट कंपनी इन इंडिया टुडे। तुम्हें आते हुए कोई देखा तो नहीं? मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ तक कि जानकी ने भी मुझे कॉल किया था, लेकिन मैं कॉल बैक इसलिए नहीं कर रही कि ताकि किसी को पता नहीं चले उसने मुझे कांटेक्ट किया। हाँ, जानकी ने घर में किसी को नहीं बताया है कि हर्ष को बचाने में तुमने उसकी मदद की थी। इसका मतलब समझदार है जानकी। मुझे नहीं लगता रंजी, कल जो हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। कल जानकी ने राजेश को थप्पड़ मार दिया और आज पापा जी को जब अवार्ड मिला तो सारा क्रेडिट उन्होंने हर्ष को दे दिया, राजेश का जिक्र भी नहीं किया और वो गुस्से में भर के बैठा हुआ है। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं वो अपना गुस्सा मेरे पे कैसे निकालेगा। मैंने जानकी को इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश की लेकिन मुझे लगता है कि उसे मेरी बात समझ नहीं आ रही है, वो मेरा इशारा समझ नहीं पा रही है। इशारा तो दूर की बात है, वो तो शास्त्री खानदान को भी नहीं समझ पा रही है। यहाँ कितने राज छिपे हैं, कितने सारे लोग हैं, वो कुछ नहीं समझ पा रही रंगीली। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं काम करती हूँ, जानकी को बता दूं कि मैं उसकी साइड पे हूँ। पगला गई हो क्या? अगर ऐसा किया तो तुम्हें पता है ना कि वो क्या हाल करेगा तुम्हारा। कल भी उसने ऐसे ही किया रंगीली, जानकी ने जब शौक देने की बात उसको बताई तो उसने सारा
सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। मुझे बहुत मारा उसने, मुझे बहुत मारा। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि वो इंसान है कि जल्लाद है। मुझे बहुत मारता है मुझे वो। रो मत बंदना, राजेश का भी इलाज सोचते हैं, मत रो। कहाँ जा रहा है? पता नहीं। हर्षी को देखकर कोई कह सकता है कि वही आदमी है जिन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा किया है? एक एक्सीडेंट ने उन्हें क्या से क्या बना दिया। नितिन कितना नाराज होगा हमसे, क्योंकि उस समय हमने फोन जो बीच में काट दिया था। निशा भी गुस्सा हो गई हमसे, क्योंकि हमारे कारण कृष्णा को जेल जाना पड़ा और हम कुछ नहीं कर पाए। एक तरफ सब नाराज है और दूसरी तरफ हर्षी की ये हालत। भाभी जी, भाभी जी, मुझे मार्केट जाना था, किचन का सामान खत्म हो गया है। तो चाहिए, लेकिन आप दोनों को छोड़कर ऐसे कैसे? अरे कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, आप जाइए। मैंने कहा जाने के लिए? मुझसे पूछा तुमने तो फिर क्यों जा रहे हो? अगर हम दोनों को कोई पकड़ के ले गया तो घर में कोई नहीं है ना, फिर मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर कहीं नहीं जाओ। इधर देखिए। मैं नहीं देखूंगा। क्यों? अरे पर आप तो बिग बॉय है ना, बिग बॉय ऐसे थोड़ी ना डर जाते हैं। बिग बॉय डर जाते हैं कभी कभी। तो ठीक है, हमने तो सोचा था हम एक स्टोरी सुनाएंगे बिग बॉय को, पर आप तो छोटे बच्चे की जैसे डर जाते हो ना, आपको नहीं सुनाएंगे। नहीं रुको। क्या हुआ? कौन सी कहानी है, इंटरेस्टिंग है? पर उसे बिग बॉय के लिए, आप छोटे बच्चे हैं। नहीं गुड़िया, मैं बिग बॉय हूँ, ये देखो मेरे बाइसेप्स भी हैं। मुझे सुनाओ कहानी। नहीं अच्छा, आपने वो कहानी सुनी है पिंगू पिंगू की? क्या हुआ? पिंगू पिंगू की कोई कहानी नहीं होती, ऐसे झूठ मत बोलो। अरे है कहानी, आपको पता है टिंगू पिंगू मेढक की कहानी है। मेढक का मतलब क्या होता है? फ्रॉग। फ्रॉग। आपको पता है दो मेढक थे, एक का नाम था टिंगू, दूसरे का नाम था पिंगू। एग्जैक्टली। फिर क्या होता है, टिंगू पिंगू ना एक बार गलती से दूध के टब में गिर जाते हैं। दोनों गिर जाते हैं? दोनों गिर जाते हैं। अंधे थे क्या? हाँ, वो कुछ खेल रहे थे मस्ती में दोनों, दूध के टब में गिर गए। इंटरेस्टिंग है, आगे क्या होता है? फिर क्या होता है, टिंगू बिल्कुल आपकी तरह घबरा जाता है, उसको डर लग जाता है, उसको लगता है अब वो डूब जाएगा। फिर पिंगू के पास दिमाग है, पिंगू बहादुर है। पिंगू क्या करता है, वो ना उसमें से स्विमिंग करने लगता है, दूध के टब में गोल 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 ऐसे स्विमिंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, ऐसे में दूध गाढ़ा हो जाता है। और जब दूध गाढ़ा हो जाता है तो क्या बन जाता है? बटर। सी, आपको तो बटर पसंद है। बहुत पसंद है मुझे। तो पिंगू बच जाता है। पिंगू किससे बचेगा, वो तो टिंगू को बचाने गया था ना। हाँ, तो उसने तो टिंगू को भी बचा लिया ना। पिंगू तो बहादुर था और दिमाग भी था उसके पास, उसने दिमाग लगाकर बहादुरी दिखाकर वो बच गया और साथ में टिंगू को भी बचा लिया। कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी थी। गुड़िया कहानी सुनकर तो मेरा दूध पीने का मन कर रहा है। हम बाद में लेकर आते हैं। अच्छा पहले ये बताइए, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? मेरे एग्जाम ले रही है गुड़िया, कि जो बहादुर होता है ना हमेशा वो जीत जाता है। एग्जैक्टली। तो अब बताइए,
हम दोनों में टिंगू पिंगू कौन है? मैं पिंगू, तुम टिंगू। अच्छा। लेकिन गुड़िया जो तुमने कल किया ना, मुझे बचा लिया तुमने, तो तुम पिंगू बन गई और मैं टिंगू बन गया। तो कोई बात नहीं है, कभी आप पिंगू बन जाना तो हम टिंगू बन जाएंगे, टिंगू भी हम पिंगू बन गए तो आप टिंगू बन जाना। ठीक है भैया, मैं जब भी टिंगू बनूंगा तुम पिंगू बन के मुझे बचा लेना। जब तुम टिंगू बन जाओगी ना, मैं उड़ के ऐसे पिंगू बन जाऊंगा तुम्हारे लिए। चीटर बॉक्स दूध तो ले आओ मेरे लिए प्लीज। चलो अच्छा है, कहानी सुनाने के बहाने कम से कम वो दूध पीने के लिए तो तैयार हो गए। गुड़िया कहाँ रह गई? टिंगू पिंगू के पास। गुड़िया सही भी आप मेरी बात सुनो। एकदम चुप। तू जानता है जिस दिन से तू पागल हुआ है ये घर ये ऑफिस के लिए मैंने दिन रात एक कर दी, लेकिन जब ट्रेजेडी की बारी आती है तो सिर्फ एक नाम सुनाई देता है मुझे, हर्ष। हर्ष 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 ने ये किया, हर्ष ने वो किया। आज आज मैं तेरे साथ वो करूंगा। आज के बाद तेरा नाम इस घर में सुनाई नहीं देगा हर्ष। चल। आपको बताना चाहते हैं कि हमारी इस कंपनी को इतना बड़ा बनाने के लिए सिर्फ हमारा हाथ नहीं है, इसके पीछे जिसने दिन रात मेहनत की है वो है हमारा बेटा हर्ष शास्त्री।
तुमने तो कहा छोड़ दिया। छोटे भाई के साथ ऐसे करते हो शर्म ही आती है आपको? क्या लगता है तुम्हें? तुम बचाओगे उसे? झांसी की रानी समझती हो अपने आप को? कौन रोकेगा हमें? मैं रोकूंगा तुम्हें। मैं लगता है उस दिन का थप्पड़ भूल गए आप। अरे जिंदगी हराम कर दी है तुमने मेरी। मेरा घर छोड़ के तुम चली क्यों नहीं जाती हो? जानकी और नहीं, हर्ष को तो भूल जाओ। ये सोचो कि अपने आप को कैसे बचाओगी। मैं नहीं पता था इतने घटिया अपने छोटे भाई की जान लेने पर तूने। हर्ष को छोड़िए, नहीं तो क्या करोगे? थप्पड़ मारोगे जैसे उस दिन मारा था मेरे परिवार के सामने? बोलो। वो थप्पड़ मैं आज बहुत महंगा पड़ेगा जानकी, और आज के बाद तुम भी नहीं भूलोगी। सबके सामने बेइज्जती की थी ना मेरी, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेइज्जती क्या होती है। जब इज्जत चली जाती है तो इंसान को कैसा लगता है? पल्ला छोड़िए, हम अभी पैसे नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बताऊंगा। इतना नहीं कर सकते आप। रजिश में क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसा मत करिए। बेइज्जती का बदला बेइज्जती जानकी। देखिए आप गलत कर रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं आप भैया? प्लीज प्लीज भगवान के लिए ऐसा मत करिए। आप क्या यहाँ छूट दे भैया? प्लीज देखी थी ना तुम्हें, हम भुख तो
प्लीज हमें छोड़ दीजिए भैया प्लीज। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, न कोई गार्ड, न तुम्हारा पागल पति और न भगवान। हमारी मदद सिर्फ नितिन कर सकता है, उसे फोन करते हैं। हे भगवान, अपना फोन तो कमरे में ही भूला है, अब क्या करें? ये काम करते हैं, किसी और से फोन मांग करके नितिन से बात कर लेते हैं। राजेश का दिमाग खराब हो गया है, फंक्शन को बीच में ही ऐसे छोड़कर चला गया, क्या सोचा उसने? फिर से फोन करो। पापा जी कॉल किया था, नहीं लग रहा कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया होगा इसीलिए। राजेश को सोचना चाहिए था, हर्ष भी हमारे साथ नहीं है, मीडिया वाले क्या सोचेंगे, दोनों बेटे गायब। अरे इस फंक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है राजेश के लिए? राम, सविता देखो यहाँ क्या हो गया है। जानकी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, शिखर जाके जरा देखो रूम में। हाँ हर्ष भैया और भाभी भी यहाँ नहीं है, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए दोनों? हर्ष भाई, हर्ष पानी, पानी का हर्ष भाई होश आ गया? पल्लवी तुम यहाँ और हम कहाँ हैं? तुम पियो, पियो पल्लवी तुम यहाँ कैसे? क्या हम तो पटना काम से आए थे, पर ये सब क्या है जानकी? अच्छा हो कि तुम हमारी गाड़ी के सामने आके बेहोश हुई और ड्राइवर ने सही टाइम पे ब्रेक लगाया। पता नहीं क्या होता, पहले ये बताओ तुम ये चल क्या रहे हो, क्या हो रहा है?
कर क्या रहे थे तुम लोग? हाँ, इतना कुछ हो रहा था घर में और तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं। पैसे किस बात के ले रहे हो तुम? जाओ यहाँ से। राम जी, नथिंग टू वरी अबाउट। मैंने इंजेक्शन दे दिया है उनको और थोड़ी देर में होश आ जाएगा। थैंक यू। हर्ष बेटा, ले थोड़ा सा सूप पी ले। राजेश, रोहित, रोहित तकिया लगाओ। पापा जी, राजेश को होश आ गया। राजेश जी, क्या हुआ? हर्ष की और तुम्हारी हालत ऐसे किसने की? जानकी ने मेरा ये हाल किया। क्या? Come on यार राजेश भैया, बस करो यार, उठते ही जानकी फिर शुरू हो गया। अभी भी इंतजार कर आप। राजेश, क्या हो बेटा? बोलो राजेश, क्या किया जानकी ने? पापा, वहाँ आपका अवार्ड मिल रहा था ना, वहाँ बैठ के हम सब एंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे। अचानक मुझे एकदम मोहन का फोन आया। मुझे मोहन ने मुझे बोला कि हर्ष के कमरे से चिल्लाने की आवाज आ रही है। वहाँ मैं तो एकदम घबरा गया। मैं तो एकदम भाग के वहां से निकला और यहाँ घर पहुंच गया। आप मोहन से पूछ लो चाहे तो। मोहन जी, साहब जी, मोहन तुमने राजेश को फोन किया था? जी साहब जी, मैंने फोन किया था। हर साहब के रूम में से ना बहुत जोर जोर से रोने की और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं घबरा के फोन कर दिया छोटे साहब को और यहाँ पर बुला लिया। ऐसे जाओ। उसके बाद पता है क्या हुआ पापा? मैं बाकी जैसे घर पहुंचा तो मैंने देखा कि इस जानकी ने हर्ष को बाथरूम में बंद कर रखा है। अंदर से हर्ष बेचारा तड़प रहा था, चिल्ला रहा था। मैं जैसे ही उसे बचाने जा रहा था, अचानक मेरे सर पे बहुत तेज चोट लगी। ये मंदिर की घंटी, इससे जानकी ने मेरे सर पे मारा। मां बेहोश हो गया था। मैं आपको यहाँ मिला ना, मंदिर के यहाँ। जिस तरह तुम गुस्से से पार्टी से बाहर गए थे, पक्का तुम जानकी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, फंसा रहे हो उस बेचारी को। हर्ष, तुम बताओ, क्या जानकी ने तुम्हें बाथरूम में बंद किया था? बोलो हर्ष भाई, बोलो। हर्ष, राम राम बेटा, उसकी हालत तो देख, वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। शिखर बेटा, इसे कमरे में लेके जा, जो भी पूछना होगा हम बाद में पूछेंगे। शिखर लेके जाओ उनसे। देखा आपने कितना डरा के रखा जानकी ने हर्ष को? मुझे तो समझ नहीं आता ये जानकी आगे हमसे चाहती क्या है, क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ये सब। लेकिन जानकी ऐसा क्यों करेगी बेटा? बदला दादी, बदला दादी, सारा बदला मुझसे ही लेना चाहती है वो। जब मुझे मारा ना तो जानती है उसने क्या कहा मुझसे? पापा, मुझसे बोल रही थी कि तुमने मेरी हर्ष के साथ जबरदस्ती शादी करवाई, मुझे कमरे में बंद किया। और क्या कह रही थी? हाँ, बोलती है मेरे भाई को जेल भिजवा दिया, हमें घर से बेघर करवा दिया, उसकी नौकरी छुड़वा दी। दादी, सबके लिए सिर्फ मुझे गुनहगार मानती है वो। बताइए पापा, अरे तो आज तक जो भी किया सर अपने परिवार के लिए, आपके लिए। लेकिन भैया, जानकी भाभी अभी कहाँ है? देखो जानकी, जब हमें तुम्हारी जरूरत थी, तुम थी ना, तो हम भी तुम्हारे साथ हैं। बताओ हमें क्या बात है? दरभंगा में तो सबको, हमें क्या, सबको ही लगता है तुम बहुत खुश हो। अच्छा ठीक है, तुम्हें अभी बात नहीं करनी है तो मत करो। पल्लवी,
तुम अपना फोन दो, हमें फोन कर, अर्जेंट है, पल्लवी एक फोन, हमारी बात सुनो, अभी तुम आराम से लेट जाओ, हम सुबह फोन कर लेंगे, सो जाओ, सो जाओ, सुनो प्लीज तुम कहीं मत जाओ, प्लीज कहीं नहीं जा रहे हैं हम यहीं पे, चलो लेटो, तुम मत जाना, नहीं जा रहे हम, सो जाओ, हमें घर जाना है पल्लवी। मेरी गुड़िया कहाँ है? अभी अभी लाते हैं, गुड़िया के पास चलते हैं। मेरी गुड़िया कहाँ है? हम लेके चलेंगे ना गुड़िया के पास, लेके चलेंगे, लेके चलेंगे, बाद में, बाद में, बाद में, बाद में, बाद में, बाद में लेके चलेंगे गुड़िया के पास। चाहिए ये, अभी बेटर फील कर रहे हो? मुझे नहीं पीना। प्लीज 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 पी लो, पी लो, वेरी गुड बॉय। हर्ष भाई मुझे एक बात बताओगे, क्या हुआ था यहाँ पर? डरने की जरूरत नहीं है हर्ष भाई, मैं हूँ ना आपके साथ, और मैं तो फ्रेंड हूँ आपका, मैं तो आपकी टीम में ही हूँ ना, बस मुझे ये बताओ कि बाथरूम में आपको सच्ची में भाभी ने बंद किया था? रोना क्यों? मेरा भाई इतना प्यारा बच्चा, रोना नहीं है, मुझे बस आप ये बताओ कि क्या आपको बाथरूम में भाभी ने बंद किया था या उस राजेश भैया ने? भाई मुझे से बात नहीं चल रही। अच्छा अच्छा ओके 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 सॉरी 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 सॉरी, बस कर शिखर, बहुत हो गया। अरे तू अपनी और राजेश की लड़ाई में इसको क्यों फंसा रहा है? अरे मुझे भी जानकी पे पूरा विश्वास है, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया है तो वो हर्ष को छोड़कर क्यों चली गई? कहाँ है वो? उसका यहाँ ना होना इस बात का सबूत है शिखर कि उसने जरूर कुछ गलत किया है, वरना वो हर्ष को छोड़कर कभी नहीं जाती। और हर बात में राजेश को दोष देना बंद कर। राजेश, गुड़िया ने खुशी क्या सोचा जानकी इतनी आसानी से बच जाएगी? अभी तो खेल शुरू हुआ है, तूने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, अपनी बर्बादी की शुरुआत की है, और तेरी बर्बादी का सामान तेरा ये फोन मेरे पास है। छुप छुप कर अपने पति की जासूसी करती हो? कितनी बार समझाऊं तुम्हें, मेरे काम के बीच में मत आया करो। सारी मार भूल गई क्यों? सॉरी मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि तुम ठीक हो कि नहीं, और कुछ जासूसी नहीं कर रही थी। मैं क्या ठीक हूं? नहीं, हम जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचना होगा, चाहे जो हो जाए। पता नहीं हर्षी कैसे होंगे, किस कंडीशन में होंगे।
जानकी। अशोक ठीक हो? तो अशोक क्या? हमने बुलाया अशोक को। पर क्यों? मैं तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, मैं समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। एक बार तो लगा कि हम तुम्हारे पापा को फोन कर देना चाहिए। नहीं, पापा को फोन तो नहीं किया ना? नहीं किया है, इसीलिए तो अशोक को किया है ना। वैसे भी तुम लोग बहुत क्लोज थे एक टाइम पे, हमें तो कुछ बता नहीं रही हो, हमें लगा कि अशोक को बता दोगी, बात तो करोगी। अभी हमें घर जाना है। तुम आओ बैठो, प्लीज बैठो, बैठो। हाँ बैठो, जाना है घर जाना, तुम बैठो प्लीज बैठो। हमारा सर इतना भारी क्यों हो रहा है पल्लवी? हाँ तुम ये पानी पियो। अभी नहीं, हम हैं यहीं पे। अशोक हम मैनेज, पानी पियो प्लीज। हम पी लेंगे, हम मैनेज कर सकते हैं, पल्लवी है ना, तुम जस्ट बस। पल्लवी थैंक यू सो मच, तुमने हमारी बहुत मदद की। पागल हो क्या? पर ना आप अभी जाना है। नहीं जानकी। अरे जानकी तुम क्या तुम क्या पागल? ये क्या हमारा? तो मेरी बात सुनो ना अशोक, हम जानकी समझने की कोशिश कर, वो तुम्हारी मदद कर रहा है, बहुत दूर से आया है वो। देखो सुनो, हम जानते हैं कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं, पर एक दोस्ती के नाते तो हमारी बात मान लो, तुम्हारी हालत है कहीं जाने लायक, प्लीज आराम करो। हाँ आराम करो, तुम थोड़ी देर आराम करो, हम लोग बाहर ही हैं, ठीक है? इस समय घर जाने की, अभी थोड़ी देर आराम करो फिर चली जाना। ओके पर हमारे सर, हम बाहर ही हैं, सो जाओ। हमारे सर हाँ। लो बेटा हर्ष खाओ, चलो खाओ। मम्मा ये उसमें से स्मेल आ रही है, मुझे नहीं खाना। अरे मम्मा दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? मम्मा खुलेगा, गुड़िया भी आएगी, पहले तुम खाना खाओ। चलो गुड़िया क्यों नहीं आ रही है? हर्ष बेटा देखो मम्मा प्लीज गुड़िया को बुला दो प्लीज। अब अगर तुम खाना नहीं खाओगे ना ये एलिफेंट नाराज हो जाएगा। हाँ प्लीज चलो, ये होने दो इसको। नहीं पहले खाना, जानकी भाभी का है, शिखर फोन भी नहीं मिल रहा गुड़िया को। अरे जानकी नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या है? हमें हर हाल में जानकी चाहिए, कहीं से भी कैसे भी उसे ढूंढ निकालो, तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। जानकी लगता है कि ये डर गई, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, इसकी चुप्पी का फायदा उठाना चाहिए मुझे। दूर रहिए आप हमसे, जस्ट स्टे अवे। राजेश जानकी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हर्ष को अकेला छोड़ के तुम कहां गई थी और क्यों गई थी? जवाब दो। हाँ भाभी, क्यों पीटा आपने राजेश भैया को इतना? वहां पड़े हुए थे गिरे हुए वो। क्यों किया तुमने ऐसा जानकी? हमें सब कुछ सच पता चल चुका है, राजेश ने हमें सब कुछ बता दिया, तुम ऐसे कैसे हर्ष को बाथरूम में बंद करके भाग सकती हो? अच्छा तो ये सच है, तो दिखाइए ना सबको सबूत, बताइए सच क्या है। जानकी मैं तो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, ना ये नाटक प्लीज करके बंद कर दो, तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने आ गई है, कोई फायदा नहीं है नाटक करने का। सच ठीक है? और सुनो, मेरे भाई के साथ तुमने जो ये सलूक किया है ना, ये मत सोचना कि उसकी सजा नहीं दूंगा, तुम्हें उस कमरे में बंद करूंगा। अभी तो रहिए, हमने कहा हाथ मत लगाइएगा हमें। जानना चाहते हैं ना, हम रात को ऐसे हर्षी को छोड़ करके क्यों चले गए घर से, हमें क्यों भागना पड़ा? क्योंकि राजेश भैया नशे की हालत में इन्होंने हमारी इज्जत पर हाथ डाला। मम्मी जी
बता नहीं सकते हमने क्या कुछ झेला है रात को। इन्होंने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। पूछे इनसे। अगर रात को घर छोड़कर नहीं जाते ना, पता नहीं हमारे साथ क्या कर बैठते हैं मम्मी जी। हम झूठ नहीं बोल रहे मम्मी जी, हम क्यों झूठ बोलेंगे? पूछिए इनसे। अगर अपने रत्ती भर भी शर्म है ना तो बताइए सच सबको। जानकी ये तू क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे राजेश तेरा जेठ है, हर्ष का बड़ा भाई, ये तेरे साथ ऐसा क्यों करेगा बेटा? दादी हम सच कह रहे हैं। क्या सच में राजेश ने जानकी को? लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हमारे यकीन कीजिए। ये झूठ बोल रही है दादी। ये लड़की जानबूझ के ऐसा कर रही है क्योंकि क्योंकि राजेश इसकी सच्चाई जान गया है ना? वरना हमें कैसे पता चलता कि इसी ने हर्ष को बाथरूम में बंद किया और फिर राजेश पे हमला करके भाग गई? हमें नहीं पता चल पाता ना। ये झूठ बोल रही है मम्मी जी। मम्मी जी दादी ये सच नहीं है। भाभी आप क्या बोल रही है? इन्होंने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है और हम झूठ नहीं बोल रहे। मम्मी जी आपने इनकी बात सुनी ना, अब आपको हमारी भी बात सुननी होगी। हाँ माँ, मैं जानकी भाभी को एक चांस देना चाहिए। हाँ ठीक है, बोलो जानकी, बोलो क्या कहना चाहती थी तुम? बता बेटा सच क्या है? दादी हम और हर्ष कमरे में खेल रहे थे, बचाने के लिए इस घर से भागना पड़ा। इतना जानकी जो कुछ भी कह रही है सही है? मम्मी जी ये क्या बोलेंगे? ये तो इतने नशे में थे, ये तो होश भी नहीं था कि ये क्या करने जा रहे थे हमारे साथ। अच्छी, अच्छी, आपको तो सच पता है ना? हर्ष बताओ ना क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कैसे दर्द हुआ था तुम्हें? किसने बंद किया था? क्या क्या किया था तुम्हारे साथ? बताओ इन सबको प्लीज हर्ष बताओ। हाँ बेटा, देखा तुमने क्या हल कर दिया मेरे भाई का? और कितना डराओगी इसे? तू इतना झूठ बोलने पर मजबूर करोगी इसे? जानकी हाथ मत लगाइए आप हमें। देख रहे पापा, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। अपने आप को बचाने के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है? गिर आपका है भैया। पहले हमारी इज्जत पर हाथ डालते हैं, हमें धक्का देते हैं, हमें मारते हैं और उसके बाद अपनी झूठी कहानी सबको सुनाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इस घर की बहू इस घर के बेटे पे इल्जाम लगा रही है। अरे दादी वही तो कह रहा हूँ मैं। दादी आप तो जानते हो ना मुझे, आपने मुझे क्या ऐसे संस्कार दिए है कि मैं इतनी घटिया हरकत करने का सोचूं भी? क्या दुश्मन है मुझसे? आज बताई दो ना जानकी, इतना घटिया इल्जाम क्यों? तुम मेरे छोटे भाई की बीवी हो, इस घर की बहू, हमारी इज्जत हो। और इस घर की बहू की इज्जत पर हाथ डाला आपने। घिन आ रही है भैया आपसे। बस करो जानकी, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और तमाशा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। बस तमाशा तो आप कर रहे भैया। जब आपको पता चला ना कि हमें आपकी सच्चाई मालूम पड़ गई, किस तरीके से आपने हर्ष जी को फार्म हाउस पर ले जाकर के इलेक्ट्रिक शॉक दिए, तो आपने सब घटिया हरकतें शुरू कर दी। हमसे बदला लेना चाहते हैं आप, है ना? पापा जी आप बताइए, आपने इतना सब कुछ किया हमारे साथ, हमने कभी विरोध किया? हमारे माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया आपने, इस वजह से हमारे पापा को हार्ट अटैक आया। अपने बीमार पिता को हॉस्पिटल में छोड़कर महर्षि को बचाने चले जाते हैं क्योंकि वो हमें फोन करते हैं कि उनका बड़ा भाई उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देता है।
हम उन्हें बचाने जाते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते तक नहीं है। क्या सबूत है आपको अपनी सच्चाई का? बोलिए ना भाभी। लेकिन आप जो कह रही हैं, हम कैसे मान लें कि वही सच है? राजेश भी अभी तो बोल रहे हैं ना तब से, हम उनकी बात क्यों ना माने, आपका ही सच क्यों माने? रूही बीच मत बोल। तब से ये हमारे राजेश भैया पर इल्जाम लगाए जा रही हैं, क्यों ना बोलूं बीच में? जस्ट शट अप रूही, बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, सो डोंट इंटरफेयर। बता दी, हम झूठ नहीं बोल रहे, एक औरत है और अपनी इज्जत के बारे में आप सबके सामने बात कर रहे हैं। दादी, माँ, रूही, भाभी, आप सब भी तो औरत हैं, एक औरत अपनी इज्जत के बारे में झूठ क्यों बोलेगी, बताइए मुझे। अब सुनना ही चाहती हो तो सुनो। बहुत झूठ सुन लिया आपका। मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब आप सब ध्यान से सुनिए। ये झूठ इसलिए बोल रही है कि ये अपना पाप छुपाना चाहती है। बताओ इन सबको कहां थी कल रात, तुम किसके साथ थी? बताओ जानकी। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।